हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 4 का वीडियो नंबर 16। तो ये फोर्थ यूनिट का 16वां वीडियो है, और इससे पहले 15 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 4 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो, KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज हमें पढ़ना है अनुनाद की शर्तें व अनुनाद के प्रभाव, या फिर कुछ बच्चे इसे कहते हैं कि अनुनाद के लक्षण या अनुनाद की विशेषताएं। इस क्वेश्चन को हमें दो पॉइंट्स में डिस्कस करना है। एक तो हमें पढ़नी है अनुनाद की शर्तें, कि अनुनाद का गुण या घटना दिखाने के लिए अणु या आयन में क्या क्या खासियत होनी चाहिए, और फिर हम पढ़ेंगे अनुनाद के प्रभाव, कि अनुनाद के कारण उस अणु में या उस आयन में कौन कौन से इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो ये दो बातें हमें डिस्कस करनी है, और आप हमेशा एक बात का ध्यान रखा करो कि जब भी आप किसी चैप्टर को या किसी यूनिट को पढ़ते हो, तो आपको प्लेलिस्ट के अनुसार ही पढ़ना चाहिए। चैनल के होम पेज से जाके पढ़ो, होम पेज में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी एक डेफिनेट सीक्वेंस में लगी हुई, या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वहां से भी अपने चैप्टर की प्लेलिस्ट ढूंढ सकते हो और वहां से प्ले कर सकते हो वीडियो को। तो सबसे पहली बात तो यह है कि चैप्टर को या यूनिट को जब भी पढ़ना है तो प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी भी वीडियो को देखते हो, तो उसका स्पीड आपको अपने अनुसार व्यवस्थित कर लेना है। यदि स्पीड आपको फास्ट करना है तो उसे फास्ट कर सकते हो, स्लो करना है तो स्लो कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुनाद के लिए आवश्यक शर्तें। एक हेडिंग बनाते हैं, अनुनाद के लिए आवश्यक शर्तें। अनुनाद के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी? शर्तें कौन कौन सी, कंडीशंस जरूरी हैं अनुनाद के लिए? देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी कोई अणु या आयन अनुनाद दिखाता है, तो उस अणु या आयन में परमाणुओं की स्थिति कभी भी नहीं बदलती है, परमाणु अपने स्थान पर ही रहते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम यहां लिखेंगे अनुनादी संरचना में, यहां से लिखेंगे अनुनादी संरचनाओं में, परमाणुओं की स्थिति परमाणुओं की स्थिति नहीं बदलती है, परमाणुओं की स्थिति नहीं बदलती है। तो परमाणुओं की स्थिति तो कभी भी नहीं बदलती है, यदि आप अनुनाद की बात करते हो। यदि आपको किसी यौगिक या अणु या आयन की दो या दो से अधिक संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, और उन संरचनाओं में परमाणु अपना जगह, अपना स्थान बदल रहे हैं, तो समझ जाओ कि वो अनुनाद नहीं है। अनुनाद की शर्त यह है कि परमाणुओं की स्थिति कभी नहीं बदलेगी, ठीक है? अनुनाद हमने कल पढ़ा था ना, अनुनाद। अनुनाद का मतलब ये होता है कि जब किसी अणु या आयन के सभी गुणों को किसी एक संरचना द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, उसके सभी गुणों को स्पष्ट करने के लिए दो या दो से अधिक संरचनाएं बनानी पड़ती हैं, और उन संरचनाओं को जो सभी गुणों को स्पष्ट करने के लिए आपने बनाई हैं, उन सभी संरचनाओं को हम कहते हैं अनुनादी संरचनाएं या फिर कैनोनिकल संरचनाएं।
और उन अनुनादी संरचनाओं या कैनोनिकल संरचनाओं से मिलाकर उन्हें मिश्रित करके उनका मिश्रण बना के उनके संकर के रूप में एक संरचना बनाई जाती है जिसे हम कहते हैं अनुनादी संकर। और अनुनादी संकर एक ऐसी संरचना होती है जिससे उस यौगिक या अणु या आयन के सभी गुणों को पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। तो अनुनाद तो हमने डिस्कस कर लिया था कल। यदि आपको अनुनाद स्पष्ट है तभी आप समझोगे इस क्वेश्चन को, अनुनाद की शर्तों को और अनुनाद के प्रभाव को। तो यहां हमने सबसे पहली शर्त लिखी है कि अनुनादी संरचनाओं में परमाणुओं की स्थिति नहीं बदलती है। अच्छा, नंबर दो, दूसरी बात, जो अनुनादी संरचनाएं होती है ना, ये अनुनादी संरचनाओं में आप मेरे साथ साथ भी लिखा करो जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए लिखने की। अनुनादी संरचनाओं में प्राय, प्राय का मतलब अधिकतर या ज्यादातर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जो अनुनादी संरचनाएं होती है ना उनमें ज्यादातर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। हाँ, ऐसी अनुनादी संरचनाएं भी हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर यहां हमने लिखा है प्राय माने ज्यादातर यानी अधिकतर या सामान्यतः। आपको अनुनादी संरचनाएं ऐसी ही मिलेंगी जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, पर कुछ अनुनादी संरचनाएं ऐसी होती हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यदि किसी यौगिक या अणु या आयन की अनुनादी संरचनाओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तो सभी संरचनाओं में उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। यदि किसी संरचना में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और उस यौगिक की तीन अनुनादी संरचनाएं हैं तो तीनों अनुनादी संरचनाओं में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो अच्छा एक एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब ज्यादातर तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने ही नहीं चाहिए। जैसे मैं आपको कहूं कि एन डबल बॉन्ड ओ, इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास है दो लोन पेयर, एक तो संरचना ये है और एक संरचना इसकी है एन डबल बॉन्ड ओ, एन डबल बॉन्ड ओ, इसके पास भी दो लोन पेयर हैं और इसके पास दो लोन पेयर हैं। यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये लगाया नेगेटिव चार्ज और ये है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ है पॉजिटिव चार्ज। अब एक संरचना है, एक संरचना इसकी और है, एन ट्रिपल बॉन्ड ओ। एन ट्रिपल बॉन्ड में नाइट्रोजन के पास तो केवल एक इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन के एक जोड़ा ये है और एक जोड़ा ये, दो लोन पेयर हैं। और आवेश की बात करें तो इसके ऊपर भी आवेश है, धनावेश, और इसके ऊपर भी धनावेश है, ठीक है। तो यहां आपको एक बात देखने को मिलेगी कि इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यदि आप एनओ की बात करते हो तो एनओ की ये वाली अनुनादी संरचना है और ये भी अनुनादी संरचना है और ये कोई अनुनादी संरचना नहीं है। इसमें सिर्फ हम एक कारण को अभी तक समझ पाए हैं कि इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम इसे अनुनादी संरचना नहीं मान रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं कि यह अनुनादी संरचना क्यों नहीं है। जैसे अनुनादी संरचनाओं की एक खासियत होती है कि जो बराबर वाले परमाणु होते हैं उनके ऊपर सेम चार्ज नहीं होना चाहिए। ये सेम चार्ज है दोनों के ऊपर, इसलिए ये भी रीजन है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ये भी रीजन है। तो आपको ध्यान रखना है अनुनादी संरचनाओं में प्राय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अब बात करते हैं हम नंबर तीन की, तीसरी शर्त क्या है। जो अनुनादी संरचनाएं होती है ना, ये अनुनादी संरचनाएं, अनुनादी संरचनाओं में बंध युग्म यानी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बंध युग्म व एकाकी युग्म
यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकाकी युग्म। युग्म क्या? युग्मो लिखो, युग्मों की संख्या, युग्मों की संख्या बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मतलब एक अनुनादी संरचना जो है, उस एक अनुनादी संरचना में जितने लोन पेयर हैं, दूसरी अनुनादी संरचना में भी टोटल लोन पेयर उतने ही होने चाहिए। यहाँ टोटल लोन पेयर की बात चली है, ठीक है? ऐसा मत सोचना कि लोन पेयर हम किसी एक पर्टिकुलर परमाणु पर देखेंगे। टोटल लोन पेयर, टोटल बॉन्ड पेयर बराबर होने चाहिए। ऐसा अनुनादी संरचनाओं का क्या है, एक नियम है, शर्त है। नंबर चार, चौथी शर्त, सभी अनुनादी संरचनाओं सभी अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। सभी अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा क्या होनी चाहिए? लगभग समान होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं नंबर पांच की। नंबर पांच, विद्युत ऋणात्मक, विद्युत ऋणात्मक परमाणु, विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर ऋणावेश व विद्युत धनात्मक परमाणु पर, यह बहुत काम का पॉइंट है। विद्युत धनात्मक परमाणु पर धनावेश वाली संरचना सबसे अधिक क्या? अधिक लिखो, क्योंकि और भी बहुत सारे कारक हैं। वाली संरचना अधिक स्थायी होती है, अधिक स्थायी होती है। तो ये बहुत बढ़िया बात है जिसे हमें समझना चाहिए। आगे की बहुत जगह जरूरत पड़ने वाली है इस बात की, कि यदि आपके पास कोई भी अनुनादी संरचना आपको नजर आती है और उस अनुनादी संरचना में आप देखते हो कि जो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु है, यानी जो विद्युत ऋणात्मक परमाणु है उसके ऊपर यदि ऋणावेश है और विद्युत धनात्मक परमाणु के ऊपर है धनावेश, तो समझो आपकी जो अनुनादी संरचना है वो ज्यादा स्थायी होगी, ठीक है? क्या होगी? ज्यादा स्थायी होगी। अच्छा, एक बात मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, एक शर्त यह है कि समान आवेश निकटतम, समान आवेश निकटतम परमाणु पर नहीं होना चाहिए, ठीक है? यदि बराबर बराबर वाले परमाणु पर, जैसे ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, समान आवेश निकटतम वाले परमाणु पर है, यानी पास पास वाले परमाणुओं पर एक जैसा आवेश है, या तो दोनों के ऊपर धनावेश है या तो दोनों के ऊपर ऋणावेश है, तो हम ऐसी संरचना को अनुनादी संरचना नहीं कह सकते हैं, ठीक है? अच्छा, एक शर्त और है, सभी अनुनादी संरचनाएं
सभी अनुनादी संरचनाएं एक ही तल में, होनी चाहिए। मतलब आपके पास जितनी भी संरचनाएं हैं, यदि वे एक ही तल में हैं, तो आप उन्हें कहोगे कि ये अनुनादी संरचनाएं हैं। और यदि वे एक ही तल में नहीं हैं, तो आप उन्हें अनुनादी संरचनाएं नहीं कह सकते हो। एक ही तल में होने का मतलब यह है कि जैसे मान लो आप बेंजीन की बात करते हो, बेंजीन की एक अनुनादी संरचना ऐसी है, ऐसी, और एक अनुनादी संरचना बेंजीन की ऐसी है। ये बेंजीन की दो अनुनादी संरचनाएं हैं और दोनों एक दूसरे में बदलती रहती है। तो इसमें आपको पता है कि यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन, हर जगह एक एक कार्बन है और एक एक हाइड्रोजन है, और इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन है। तो टोटल कितने कार्बन है? छह कार्बन है और छह ही हाइड्रोजन है। तो ये छह कार्बन और छह हाइड्रोजन बोर्ड के तल पर चिपके हुए होने चाहिए। यानी ये पूरी संरचना, जो आपको ये षटभुजाकार या षटकोणीय संरचना नजर आ रही है, ये संरचना बोर्ड के ऊपर चिपकी भी होनी चाहिए, एकदम चिपकी भी। ऐसे नहीं होना चाहिए कि इसमें से कोई अणु तो ऊपर की तरफ उठा हुआ है बोर्ड से या बोर्ड के तल से, और कोई अणु ऐसा है जो बोर्ड के तल में अंदर है। तो हम कहेंगे कि बेंजीन के सभी कार्बन के अणु, सभी कार्बन के परमाणु एक ही तल में नहीं है। तो इन सभी संरचनाओं में जितने भी परमाणुओं ने हिस्सा लिया है, वे सब एक प्लेन में होने चाहिए, और ये सब एक प्लेन में है और ये सब भी उसी प्लेन में होने चाहिए। यानी जितनी भी संरचनाएं हैं, सारी एक ही तल में होनी चाहिए, उनके तल अलग अलग नहीं होने चाहिए, जब भी हम उन्हें कहेंगे कि वे क्या हैं, अनुनादी संरचनाएं हैं। अच्छा, एक चीज और है, जिस संरचना में, आबंध क्रम, को आप आबंध कोटि भी कहते हो, आबंध कोटि, अधिक होती है, आबंध कोटि अधिक होती है, वह सबसे अधिक स्थायी होती है। तो जिस संरचना में बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, वो संरचना उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल बता सकता हूं मैं आपको। बॉन्ड ऑर्डर या आबंध क्रम या आबंध कोटि सिखाई थी ना आपको, दो परमाणुओं के बीच बनने वाले बंधों की संख्या। यदि दो परमाणुओं के बीच एक बॉन्ड बन रहा है, जिसे आप कहते हो सिंगल बॉन्ड, तो हम कहेंगे वहां आबंध क्रम या आबंध कोटि या बॉन्ड ऑर्डर एक है। और यदि दो परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड बन रहा है, तो हम कहेंगे आबंध क्रम या आबंध कोटि या बॉन्ड ऑर्डर दो है। और यदि दो परमाणुओं के बीच बन रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो वहां आबंध क्रम या आबंध कोटि या बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, तीन। तो यहाँ हमने सीखा है कि बॉन्ड ऑर्डर या आबंध क्रम या आबंध कोटि जितना ज्यादा होगा, वो अनुनादी संरचना उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसा पता क्यों होता है? मान लो दो परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड बना है, तो सिंगल बॉन्ड बनने में तो बहुत कम एनर्जी रिलीज हुई होगी, और यदि कहीं डबल बॉन्ड बना है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई होगी, और यदि कहीं ट्रिपल बॉन्ड बना है तो एनर्जी और भी ज्यादा रिलीज हुई होगी। तो ट्रिपल बॉन्ड के केस में दोनों परमाणु के कक्षकों के बीच में अतिव्यापन बहुत ज्यादा होता है, और अतिव्यापन बहुत ज्यादा होता है जिसके कारण एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है और बॉन्ड बहुत मजबूत बनता है। तो जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, उतना ही एनर्जी लेवल डाउन होगा उस पूरे अणु का या उस पूरे आयन का। और एनर्जी लेवल जितना डाउन होगा, स्टेबिलिटी तो उतना बढ़ेगा ही, स्थायित्व तो उतना बढ़ेगा ही। तो इसलिए स्थायित्व क्या होता है, बढ़ जाता है बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने पर। जैसे हम कहें कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहां भी इसके पास हमने ये दिखा दिए लोन पेयर, इसके पास एक और होगा लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर देख लेना आप, यदि कहीं गड़बड़ हो तो उसे सही कर लिया करो।
भाई बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर आप लोन पेयर तो एडजस्ट कर ही लोगे। और यदि मैं कहूं इसकी एक अनुनादी संरचना है कार्बन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। इसके पास लोन पेयर एक होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, और नेगेटिव चार्ज है तो इसके पास लोन पेयर एक दो तीन लोन पेयर होंगे। और एक अनुनादी संरचना इसकी है, ऐसी संरचना, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एक लोन पेयर बचेगा, फिर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आने से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, एक लोन पेयर बचेगा, ठीक है। तो वैसे तो 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे ना इसके पास, ऑक्सीजन के पास 6 होने चाहिए थे, 1 2 3 4 5 इसलिए हैं क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, इधर जा चुका है, ऐसा कह दो आप। तो यहाँ यदि हम बात करें कि ये भी अनुनादी संरचना है, ये भी और ये भी, इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, तो यदि कोई पूछता है कि तीनों अनुनादी संरचनाओं में सबसे ज्यादा स्थायी कौन सी होगी, तो सबसे ज्यादा स्थायी संरचना ये होगी क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ लिख लो आप, सबसे अधिक स्थायी, सबसे अधिक स्थायी संरचना वो होगी जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है। वैसे केवल बॉन्ड के आधार पर ही आप स्थायित्व नहीं देख सकते हो, कभी आप बॉन्ड के आधार पर ही देखते रहो स्थायित्व को, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनसे स्थायित्व पता चलता है। अब आप एक काम करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अनुनाद के प्रभाव भी देखते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब हम देखते हैं अनुनाद के प्रभाव, अनुनाद के प्रभाव। इन पॉइंट्स को भी याद रखना बहुत जरूरी है कि अनुनाद से किसी अणु या आयन पर कौन कौन से मुख्य प्रभाव पड़ते हैं। इसमें सबसे पहले बात हमें जो ध्यान रखनी है वो है अनुनाद के कारण एक जैसे बंधों की लंबाई समान रहती है या समान होती है। एक जैसे बंध का मतलब पता क्या है? एक जैसे बंध का मतलब है एक ही जैसे परमाणुओं के बीच बनने वाले बंध, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, चलो अच्छा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हम ओजोन की बात करते हैं, ओजोन की ये जो हमने दो अनुनादी संरचनाएं हम बनाएंगे और एक बनाएंगे अनुनादी संकर, तो यहाँ डबल बॉन्ड यदि आप बनाते हो तो यहाँ बनाओगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यदि यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हो तो यहाँ डबल बॉन्ड, और अनुनादी संकर में एक एक रेगुलर बॉन्ड और एक एक डॉटेड बॉन्ड ऐसे। तो ये दोनों तो अनुनादी संरचनाएं हैं, एक दूसरे में बदलती रहती हैं, और ये इनका क्या है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड या रेजोनेंस हाइब्रिड या अनुनादी संकर। तो क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि डबल बॉन्ड छोटा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का लेंथ ज्यादा होगा। आप इस केस में, अनुनाद के केस में, ओजोन की जो दोनों अनुनादी संरचनाएं हैं, चाहे आप इस बॉन्ड को देख लो, चाहे इस बॉन्ड को देख लो, इस बॉन्ड को देख लो या इस बॉन्ड को देख लो, ये दोनों तरह के बॉन्ड, यानी ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, दोनों का बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बराबर होता है बिल्कुल, क्योंकि इफेक्ट तो दोनों का ये है ना। तो ये जो बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड से, ये जो बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड से तो होगा बड़ा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड से होगा छोटा, ठीक है। दोनों के बीच में होगा इसका लेंथ, इसका भी और इसका भी, इन दोनों बॉन्ड का लेंथ डबल बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ के बीच में होगा,
इसलिए लिखा है कि अनुनाद के कारण एक जैसे बंधों की लंबाइयां क्या होती हैं, समान होती हैं या बराबर होती हैं। अच्छा, दूसरा प्रभाव क्या है? पहला प्रभाव तो ये हो गया कि आप इस बॉन्ड और इस बॉन्ड को सोचते होगी, इसकी लेंथ कुछ और होगी, इसकी लेंथ कुछ और होगी। इन दोनों बॉन्ड्स की लेंथ, इन दोनों बॉन्ड्स की लेंथ क्या होती है? बराबर होती है, बिल्कुल। पहला प्रभाव तो ये है, ठीक है। दूसरा प्रभाव ये है कि जो अनुनादी संकर है ना, अनुनादी संकर की ऊर्जा, अनुनादी संकर की ऊर्जा सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। अनुनाद के कारण क्या होता है कि जो अनुनादी संकर होता है ना, ये अनुनादी संकर ही तो है तीसरे नंबर पर, उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, अर्थात वह का मतलब कौन? वह का मतलब अनुनादी संकर, अर्थात वह सबसे अधिक स्थायी होता है। जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है वो सबसे अधिक स्थायी तो होगा ही, सबसे अधिक स्थायी होता है। दूसरा प्रभाव ये है, और इस प्रभाव को अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तीसरी बात, हालांकि ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया अभी थोड़ी देर पहले ही। तीसरी बात देखो क्या है, तीसरा प्रभाव क्या है? किसी अणु या आयन भी कह सकते हो आप, किसी अणु की अनुनादी, किसी अणु की अनुनादी संरचनाओं की संख्या, किसी अणु की अनुनादी संरचनाओं की संख्या जितनी अधिक होती है, जितनी अधिक होती है, अनुनादी संरचनाओं की संख्या जितनी अधिक होती है, वह अणु उतना ही अधिक क्या होता है? स्थायी होता है। मतलब अनुनादी संरचनाएं जितनी ज्यादा होंगी ना, वो अणु उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्थायी होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अणु उतना ही ज्यादा स्थायी होगा या उतना ही कम क्रियाशील होगा। जो ज्यादा स्थायी होता है वो कम क्रियाशील होता है ना, ठीक है। अच्छा, एक बात और है, जो अनुनादी संरचनाएं हैं, अनुनादी संरचनाओं में, अनुनादी संरचनाओं में परमाणुओं की स्थिति नहीं बदलती है, परमाणुओं की स्थिति नहीं बदलती है। तो ये तो अनुनाद की शर्त में भी हमने पढ़ा था कि परमाणुओं की स्थिति तो बदलेगी ही नहीं, ठीक है। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वे ही अपनी जगह बदल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही बदल सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है, अनुनादी संरचनाओं में युग्मित वे अयुग्मित, इलेक्ट्रॉनों की संख्या युग्मित वे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है या समान होती है, ठीक है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। अनुनादी संरचनाओं में आबंध कोटि बदल सकती है,
आबंध कोटि कह दो या आबंध क्रम कह दो या बॉन्ड ऑर्डर कह दो, मतलब दो परमाणुओं के बीच बनने वाले नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बंध की संख्या। अनुनादी संरचनाओं में आबंध कोटि बदल सकती है। ठीक है, तो आबंध कोटि तो बदल सकती है, पर युग्मित व अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग समान होनी चाहिए। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में जरूर आया होगा कि अनुनाद के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं और अनुनाद के कौन कौन से प्रभाव हैं, कौन कौन से इफेक्ट हैं। इन क्वेश्चंस में जितने भी पॉइंट आपको लिखवाए गए हैं, जैसे कि इसमें 6 पॉइंट है, तो ये सारे पॉइंट जो होते हैं, वे सारे पॉइंट अपने आप में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। बस इस बात को मान के चला करो आप कि सारे पॉइंट, हर एक पॉइंट अपने आप में एक क्वेश्चन है, एक छोटा क्वेश्चन। इस तरीके से इन पॉइंट्स को पढ़ना चाहिए, ठीक है? क्योंकि पूरा क्वेश्चन आने के चांस तो बहुत कम होते हैं। शायद कोई पेपर सेटर ऐसा हो जो पूरा क्वेश्चन ही दे दे। क्वेश्चन इस तरह दे दे कि अनुनाद के प्रभाव बताओ क्या क्या होते हैं। इस क्वेश्चन के पूरे आने के चांस बहुत कम होते हैं, पर जो अलग अलग ये क्वेश्चन, अलग अलग पॉइंट्स हैं, इनके हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन के रूप में आने के चांस ज्यादा होते हैं। हमेशा पढ़ाई को इसी तरीके से करा करो कि हर एक पॉइंट को समझ के चला करो, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।